Players from India's bronze medal winning men's hockey team have arrived in the national capital. They have received a very warm welcome from their families and many other enthusiastic supporters who are gathered on the ground. You can see those visuals on your screens. These are the men in blue that have made India proud at the Olympics, having bagged the bronze medal after defeating Spain in that match. Of course, a stellar series where we also managed to defeat our long-time hockey nemesis, Australia, in the group matches as well. Enthusiastic scenes after the touchdown in the national capital. Right there you can see the men's hockey team is all smiles as they've received a grand welcome at the Delhi airport. They have arrived in the national capital to enthusiastic supporters who are gathered there to catch a glimpse of all of those who've made us proud at the international sporting arena. सारे हॉकी प्रेमी और बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इतिहास रचा आप लोगों ने। 50 साल बाद ऐसा हुआ, लगातार बैक टू बैक हॉकी में मेडल्स आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लिया, लेकिन काफी खुशी की बात है। कैसा माहौल है टीम का, कैसे क्या कहना चाहेंगे सर? माहौल आप देख ही रहे हो, कितना अच्छा माहौल है टीम का और पूरे इंडिया माहौल कैसा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। कंट्री दो बार टीम ने ऐसा कारनामा किया है। श्रीजेश का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं, आखिरी ओलंपिक था, सारे प्लेयर्स को वो गाइड कर रहे थे, काफी भावुक भी थे सेमीफाइनल में जब हारे, और उसके बाद जो वेलकम, जो उनको फेयरवेल दिया गया श्रीजेश को, गोल हॉस्पिटल कैप्टन ने अपने कंधों पर उठाया। सर फर्स्ट मैच से लेके लास्ट ब्रॉन्ज मेडल के मैच से लेके श्रीजेश ने भाई ने पूरा अपना टूर्नामेंट में बेस्ट दिया है और आपने सभी ने देखा है उनके बदौलत पूरा हमने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है क्योंकि हाय कंट्री ने इतना बड़ा काम किया हॉकी ने, तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा प्यार करिए, हम और ज्यादा मेडल देंगे आपको। अब सेलिब्रेट करेंगे, घर वापस आ रहे हैं, सेलिब्रेट कैसे सर? एंजॉय कर रहे हैं अभी और करने दीजिए आगे। आपकी नजर आई है चूमा लेकर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मेडल जीतना बहुत आसान बात नहीं होती है, बैक टू बैक मेडल जीतने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल काम है। कैप्टन हरमनप्रीत जो है फ्रंट से आपको लीड कर रहे थे और श्रीजेश का भी बेहद महत्वपूर्ण रोल था, फेयरवेल भी उन्हें दिया गया, गोल पोस्ट पे भी बैठे, कैप्टन ने खुद कंधों पर उठाया, क्या किस तरह से देख रहे हैं श्रीजेश एक पिलर रहेंगे भारतीय हॉकी टीम के हमेशा? जी हमेशा वो प्लेयर थे, हम भी प्लेयर रहेंगे और जैसे सारी टीम ने पूरा साथ दिया है श्रीजेश का और हरमनप्रीत का, जैसे फॉरवर्ड्स ने इनके लिए पेनल्टी कॉर्नर बनाए हैं, हरमनप्रीत ने गोल किए हैं और श्रीजेश ने गोल बचाए हैं, तो ऐसे टीम गेम था। सेलिब्रेट कैसे कर रहे? सेलिब्रेट हमने कर लिया था, वहाँ मेडल मिल गया था। मेडल सेलिब्रेट कैसे? अपने अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे, अपने अपने घरों पर जाएंगे, वहाँ पर आप सेलिब्रेट करेंगे सर। सर जी साथ में बहुत हो जाएगा। Celebrating right outside the Indira Gandhi International Airport. With me on the broadcast, Arzu Seth, reporting to us from the airport itself. Arzu, what are the lively scenes like on the ground? We can, of course, hear the celebratory dole in the background, see the jubilant scenes as well. What's happening? Well, the celebration is on right now in India because the heroes, those who have brought the medal for the country, are coming back, and you can see the visuals right now. The fans are very excited. The family members of the players have arrived here. The Indian hockey team has already arrived here and gone from here, but now Aman Sharawat, the youngest player to won the gold medal in the Olympics, Aman Sharawat is about to arrive here at the airport, and you can see a large number of the supporters, the family members are gathered there. बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, अभी देखिए आ गए हैं, अभी हमारे अमन भाई आ गए हैं। प्राउड मोमेंट है आप लोगों के लिए? अमन अमन प्राउड मोमेंट है आप लोगों के लिए?
बहुत बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी शेर है, शेर अमन शेर है। तैयारियां की हुई है उनके स्वागत की? 10 साल हो गए, 10 साल। कितनी तैयारियां की आपने उनके स्वागत? बहुत मेहनत करता, बहुत 8-8 घंटे मेहनत करता, 8-8 घंटे। बहुत अच्छा लगा। This what the hard work pays and we all are welcoming Aman Sharawat in India because he has achieved and we all are proud of him what he has done for the country. He is bringing the bronze medal back to India and of course you know the entire nation is proud of him. The family members have come here. He got a bit emotional talking about his career and he's just 21 year old and he doing this practice when he was 10 year old and we can see the enthusiasm of aap unka welcome karne aaye hain, aman ka welcome karne aaye hain? Haan, aman ko bol aaye hain, khushi hai kitni bata nahi sakte, wo na apne khushi na apne pehmana hota shayad wo kharab ho jayega. So you can see PIO is very happy because now he is coming out and you can see won the bronze for India in wrestling, just 21 year old. We've also seen scenes of our victorious hockey team returning at the IGI airport in Delhi. You could hear the atmosphere on the ground, the euphoria on the ground. Fans have gathered there to take a photograph. They're garlanding him as well, celebrating his victory. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.